आज के समय में जहां थर्ड जेंडर को महज एक मजाक के रूप में देखा जाता है, वहीं पाकिस्तान के एक लोकल टीवी न्यूज चैनल कोहिनूर ने अपने न्यूज एंकरों की टीम में एक किन्नर एंकर को जगह दी है जिनका नाम माविया मलिक है। चैनल द्वारा इस तरह का कदम उठाए जाने पर उसकी हर तरफ तारीफ की जा रही है। भले ही माविया मलिक एंकर बन गई हों, लेकिन उनके लिए यहाँ तक का सफर इतना आसान न था। माविया मलिक एक पत्रकार या फिर वकील बनना चाहती थीं। वे अपने साथी ट्रांसजेंडर की तरह सड़कों पर भीख मांगना, नाचना या तस्करी जैसे काम नहीं करना चाहती थीं। वे बताती हैं कि ट्रांसजेंडर को डांस और भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि उनके पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं होता। बचपन में ही ट्रांसजेंडर को उनके घर से दूर कर दिया जाता है। वे बताती हैं कि उनके ट्रांसजेंडर दोस्तों के पास मास्टर की डिग्री है, लेकिन उनके पास कोई नौकरी नहीं, इसलिए वे सड़कों पर नाचती हैं और भीख मांगती हैं। यहाँ तक कि वे सेक्स वर्कर भी बन जाती हैं। उनका कहना है कि उन्हें समाज में बराबरी का हक मिले, उन्हें थर्ड जेंडर के बजाय एक आम नागरिक के तौर पर जाना जाए। वे कहती हैं कि अगर किसी के घर में किन्नर बच्चे का जन्म हो और वे उसे अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं, तो इज्जत के साथ उसके नाम कुछ जमीन, जायदाद या हिस्सा दें, जिससे भविष्य में उसे भीख मांगने या किसी प्रकार का कोई गलत काम करने के लिए मजबूर न होना पड़े। माविया मलिक एंकरिंग से पहले मॉडलिंग भी कर चुकी हैं। उनका कहना है कि इस समय उनके पास मॉडलिंग के कई ऑफर हैं। कुछ दिन पहले माविया सनसिल्क फैशन शो में रैंप वॉक करती नजर आई थीं। इस घटना ने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। वे अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं, क्योंकि जहां भी वे लोग जाते हैं उन्हें हमेशा नीची नजरों से देखा जाता है। वे कहती हैं, हमारे पास डिग्री है, हम एजुकेटेड हैं, लेकिन हमें कोई काम नहीं देता, इसलिए मैं ये चीज बदलना चाहती हूँ। माविया मलिक लाहौर की रहने वाली हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है, लेकिन वे और आगे तक पढ़ना चाहती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उन्हें कोहिनूर चैनल के रिलॉन्च होने के बारे में पता चला तो वे इंटरव्यू देने चली आईं। वहां पर काफी कैंडिडेट्स थे। जब उनका नंबर आया तो इंटरव्यू के बाद उन्हें बाहर बैठने के लिए कहा गया। जब सब कैंडिडेट्स चले गए तो उन्हें फिर से अंदर बुलाया गया और कहा गया कि वे उन्हें ट्रेनिंग देंगे और कोहिनूर न्यूज में उनका स्वागत है। ये सुनकर मैं खुशी से चीखी तो नहीं, लेकिन मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि मैंने जो ख्वाब देखे थे मैं आज उसकी पहली सीढ़ी पर चढ़ चुकी थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।